जैसा कि उम्मीद किया जा रहा था कि नए टैक्स कानून आने से क्रिप्टो में वॉल्यूम गिर सकता है, ठीक वैसा ही हुआ। 1 अप्रैल को नए क्रिप्टो टैक्स नियम लागू होने के कारण भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज जैसे वजीरएक्स, कॉइनडीसीएक्स, ज़ेप्पे के ट्रेडिंग वॉल्यूम में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने जब इन नए टैक्स कानून को लेकर घोषणा की थी, तब से क्रिप्टो कम्युनिटी सरकार से आवेदन कर रही है कि इन टैक्स नियम में थोड़ी ढिलाई दी जाए, पर सरकार ने क्रिप्टो कम्युनिटी की नहीं सुनी। अगर हम क्रिप्टो एक्सचेंज के ट्रेडिंग वॉल्यूम ग्राफ को देखें तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 31 मार्च यानी टैक्स लागू होने से एक दिन पहले एक्सचेंज पर काफी ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, परंतु उसके कुछ दिनों बाद अचानक से वॉल्यूम में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कॉइनडीसीएक्स के मीना थुकरल ने बिजनेस टुडे से बातचीत में बताया कि नए वित्त वर्ष शुरू होने से पहले कई लोगों ने अपने क्रिप्टो को बेच दिया। उनके अनुसार अभी इसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। वही वजीर एक्स के निश्चल शेट्टी का कहना है कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इस नए टैक्स नियम के कारण ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आएगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हमें गिरावट देखने को मिली है, पर हमें अभी इंतजार करना चाहिए। कम से कम 2 से 3 हफ्ते बाद ही पता चलेगा कि इन नए टैक्स नियम से क्रिप्टो इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा।